नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D का एग्ज़ाम कब होगा और आपका एडमिट कार्ड किस डेट को जारी होगा। एडमिट कार्ड डेट जो है आ गई है, एग्जैक्ट भी आ गया है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा और किस डेट को आपको ख़त्म होगा। इसकी SSC की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर मैं आपको ले चल के वहाँ से आपको इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा, उसके बाद आप कब इसका एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम के कितने दिन पहले आएगा। तो आपको आना है मोबाइल स्क्रीन में, उसके बाद आपको जो है SSC डालकर सर्च कर लेना है। कोई भी गूगल क्रोम ब्राउजर में आप मोबाइल में आपको आना है, उसके बाद SSC डालकर सर्च कर लेना। जैसे सर्च करोगे जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट का लिंक है दोस्त, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना। जो फर्स्ट लिंक दिखाई देगा आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो SSC की जो ऑफिशियल साइट होती है ऑफिशियल साइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से SSC के बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो आपको इसे डेस्कटॉप मोड साइड में यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ आपको डेस्कटॉप मोड साइड को ओपन कर लेना है, जिससे कि आपकी मोबाइल जो है कंप्यूटर की तरह दिखाई दे, जिस प्रकार से आपका मोबाइल कंप्यूटर में दिखाई देगा तो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा। उनके बाद यहाँ पर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज देखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज में यहाँ PDF का ऑप्शन दिखाई देगा, तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जामिनेशन शेड्यूल। यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन शेड्यूल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपके मोबाइल में PDF रीडर होना चाहिए दोस्त। अगर नहीं है तो आप आसानी से प्ले स्टोर से जाकर दोस्त 3 MB में आपको डाउनलोड कर लेना। जैसे आप उसे डाउनलोड करोगे तो आपकी PDF जो डाउनलोड किए हो यहाँ ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ रीड करना है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड किस डेट को आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसमें आपका एग्ज़ाम किस डेट तक आपका एग्ज़ाम जो है चलेगा। जो एग्ज़ाम होने वाला है SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2021 की जो वैकेंसी पेंडिंग में थी तो जो उसका आया है, तो कब तक आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा, तो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप आने के बाद यहाँ आपको PDF को ओपन कर लेना है। जैसे आप PDF को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम किस डेट से किस डेट को होगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ आपको दिखाई देगा CBE CBT जो होता है, CBT एग्ज़ाम जो होता है, इसमें जो स्टेनोग्राफर है उसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो CBT 1 होगा इसमें CBT 1 ही होता है, मतलब आपको एक ही एग्ज़ाम देना होता है इसमें स्टेनोग्राफर में। बाकी अदर एग्ज़ाम में SSC के जो अदर एग्ज़ाम है उन सभी में जो है आपको दो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, 2 CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें 1 ही देना पड़ता है। तो इसमें 1 CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर उसका होता है। तो यहाँ आने के बाद आपको इस PDF को ओपन कर लेना। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ बहुत सारा आपको जितने भी एग्ज़ाम शेड्यूल हैं यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जूनियर इंजीनियर के भी यहाँ आया है, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का भी जो है एग्ज़ाम डेट आया है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको 4th नंबर पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2022 का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्रेड सी और डी जो एग्जामिनेशन है, जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। आपको कुछ इसी प्रकार देख लेना है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ CBE आपको दिखाई देगा, उसके बाद 17/11/2022 से 18/11/2022 तक यह एग्ज़ाम जो है चलने वाला है। मात्र 2 ही दिन इसका एग्ज़ाम होता है, उन्हीं के अंदर में हर राज्य जो हर स्टेट का एग्ज़ाम जो है इसी के अंदर में 2 ही दिन में सभी का कंडक्ट करा लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ 17 और 18 तारीख को होगा, नवंबर 17 और 18 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम के 4 डेट पहले, जैसे आपका एग्ज़ाम 17 को है तो आपका जो एडमिट कार्ड है वह 13 या 14 तारीख को आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। नहीं तो आप SSC की वेबसाइट पे आकर आप अपना जो है फॉर्म स्टेटस या एडमिट कार्ड स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इस आपका जो भी एग्ज़ाम होगा जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे आपका 18 का है तो उसके 4 डेट पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज की इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। थैंक यू दोस्त।